Yum, yum, किसी से कम नहीं, यम किसी से कम नहीं। जीवन की नैया जब डूब जाए, यमराज लगाएं उसे पार। भीषण अड़चन है इस काम में, और ऊपर से ये सरदर्द परिवार। एक धरतीवासी मोह माया की प्यासी आ गई इनकी लाइफ में। एक आदर्श भारतीय पत्नी के सब गुण है इनकी वाइफ में। धरती से यमलोक तक ये खाली हाथ नहीं आई थी, एक न्यारा प्यारा राज दुलारा उपहार साथ ले आई थी। घर ही नहीं ऑफिस का भी हुआ है बुरा हाल, ओवर क्वालिफाइड दूत इनका करता है हमेशा कमाल। जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, इनकी पोथी में बस यही। दूसरे देवता भले हो लोकप्रिय, पर यम किसी से कम नहीं। अरे निधि, अब रहने ही दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे यमजी के साथ ऐसी डांस पार्टियों में मत बुलाया करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तो कमाल का नाचती हूँ, लेकिन बेचारे यमजी का क्या? उन्हें देखा है कभी नाचते हुए? ऐसा लगता है जैसे कोई भैंसा गरम कोयले पे पुदक 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 करने की कोशिश कर रहा हो। ना बाबा ना, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पति का मजाक उड़ाए, इसलिए ना ये पार्टी तो रहने ही दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पार्टी में और कौन कौन आ रहा है, क्या मनाने वाली हो? क्या, हमें तो लगा था कि हम बहुत अच्छा नाचते हैं, लेकिन यहाँ तो जिग्ना ने हमारी वजह से पार्टी त्याग दी। काश हम ऐसा कुछ कर सके जिससे जिग्ना पार्टी में जा सके। सत्या, मोहिनी, क्या हो रहा है? वो कल रात को आप ग्रुप चैट कर रहे थे ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ग्रुप चैट के लिए? हमारा फोन एक एंटीक पीस है, ये ग्रुप चैट सपोर्ट नहीं करता। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलता हूँ, आज रात को फिर से चैट करेंगे। बाय बाय। ओह नो, ये फिर से हैंग हो गया, क्या मुसीबत है? दिखाना जरा। अरे रे 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 रे, ये तो बड़ी गड़बड़ लगती है। क्या क्या, कभी बात करते करते तुम्हारी कॉल कट जाती है? हाँ। कभी लोगों के मैसेजेस तुमको लेट मिलते हैं? हाँ। क्या कभी गेम खेलते खेलते तुम्हारा फोन गर्म हो जाता है? हाँ भाई हाँ। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, तुम्हारे फोन के माइक्रो प्रोसेसर की वायरिंग जल गई है। क्या? अगर इसको कुछ हो गया तो पापा मुझे नया फोन लेके देंगे, मैं फोन के बगैर कैसे रहूंगी? रिलैक्स मोहिनी, वाइफ हियर, द निमेश इज हियर। तुम एक काम करो, तुम्हारा ये फोन मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं कल इसे अप टू डेट करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हारा खुद का फोन इतना आउटडेटेड है, तो तुम मेरे फोन को अप टू डेट कैसे करोगे? दूध भैया है ना, वो आईआईटी आईएम के टॉपर हैं। हाँ, उनके लिए ऐसे फोन ठीक करना ना बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। अच्छा ठीक है, तुम इसे रख लो, लेकिन इसका ध्यान रखना। हाँ, अगर इसको कुछ हो गया तो। अरे फिक्र मत करो मोहिनी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और सत्या का भी। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर यमराज, अब आप ऑफिशियली पिंकी डांस एकेडमी के एक स्टूडेंट हैं। वैसे आपको देख के ही मैं समझ गई थी कि आपके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए कितनी लगन है। बस बस, वरना कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के क्यों घूमता? हमारी डांस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इंटरनेशनली अक्लेम्ड डांसर्स को सही दिशा दी है। टीना टुटानी, इंडिया की पहली डांसर जो एक रशियन ट्रूप में एक्सेप्ट हुई, फिर बॉस्को डिसिल्वा,
जो न्यूयॉर्क के मिलर्ड स्कूल में एक्सेप्ट हुआ। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव हर्ड अबाउट शहनाज बाटलीवाला। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कौन सा अंतरराष्ट्रीय नृत्य देव बनना है, हमें तो थोड़ा बहुत नृत्य सीखना है ताकि हमारी पत्नी को हमारे ठुमको पे गर्व हो। आप अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहते हैं। That's so sweet. आपकी यही determination और आपकी यही चाह आपके सबसे बड़े हथियार है। कोई भी इमारत टॉप फ्लोर से नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पड़ता है। इसीलिए आपको बिगनर्स क्लासेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगनर्स क्लास? यस। पोजीशंस एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 मिस्टर यमराज, आप बंदर की तरह क्यों कूद रहे हैं? देखिए, डू इट ग्रेसफुली, ओके? नेक्स्ट स्टेप, पोजिशंस एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 मिस्टर यमराज, आप क्या कर रहे हैं? क्या देवी, हम तो वो नेक्स्ट स्टेप, एवरीबॉडी पोजीशंस। याद रखिए, इस स्टेप में आपके हाथ मोर के पंख की तरह होने चाहिए, वेरी लाइट, ओके? एंड टर्न। 1, 2, 3, 4 ओह गॉड मिस्टर यमराज, मैंने कहा था मोर के पंख की तरह, सीलिंग के पंखे की तरह नहीं। अब वापस कीजिए। नहीं, अब ये हमसे नहीं होगा देवी। कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। बस आपको हर दिन हर पल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आपके सपने में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इंसानों की तरह डांस कर पाओगे। एवरीबॉडी पोजीशंस एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 This is social exploitation. गुलामी, slavery. कभी बाजार जाओ, कभी कपड़े धो, कभी घर साफ करो, कभी मिस्टर भैंस को साफ करो। रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा खुश लग रहा है। मोहिनी से बात कर रहा है क्या, नॉटी? अरे वो मोहिनी होकर मोहिनी से बात कैसे कर सकता हूँ? ओफो दूध भैया, ये ना मोहिनी का फोन है। मैं मोहिनी के फोन से मोहिनी बनकर सत्या की टांग खींच रहा हूँ। ऐसा बोला चाहिए ना पहले, सत्या का कॉल। अब देखना इस लंगूर को कैसे मजा चखाता हूँ। स्पीकर पे डालता हूँ, आप भी सुन लेना। हाय मोहिनी। हाय सत्या। भारी आवाज को क्या हुआ? मैं तुमसे इतनी देर से एसएमएस पे बात कर रही थी ना, इसलिए मेरी आवाज बैठ गई। वैसे तुमने मेरे आखिरी एसएमएस का जवाब नहीं दिया, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? मुझे बैड बॉयज पसंद है। बैड बॉयज? हाँ, जो खतरों से खेलते हो, डेयरिंग हो, डैशिंग हो, और मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हमें पता था कि अभी तक तुमने हमारे भैंसे को स्नान नहीं कराया होगा, नालायक। आप बुरा मत मानिएगा, इस घर में हम ही आपका सम्मान करते हैं और कोई नहीं, इसलिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ये देखिए, आपका मनपसंद बूंदी के लड्डू। नहीं, अभी नहीं, पहले आप स्नान करेंगे, फिर हम आपको ये देंगे। मिस्टर भैंस लड्डू भी खाते हैं? तो इनके सामने कुछ भी रख दो, ये सब खाते हैं। सर, आप सरसा जी, क्या कर रहे हो नालायक? हमने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है, काम करो। नहीं। किधर
किया? दूध भैया आपने मोहिनी का फोन देखा? जीजा जी आए थे तो मैंने यहीं कहीं फेंक दिया था। नहीं लेकिन तुम उसे मिस कॉल क्यों नहीं दे देते? क्या बात है दूध भैया, आप भी ना कभी कभी आईआईटी आईएम वाले आइडिया दे ही देते हो। बच तो रहा है पर कहां? नहीं आवाज इसके पेट से तो नहीं आ रही। तो पैसे ने मोहिनी का फोन खा लिया। अगर मोहिनी को पता चल गया कि उसका फोन एक भैंसे ने खा लिया है तो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अगर मिस्टर यमराज को पता चल गया कि मिस्टर भैंस ने मोबाइल फोन खा लिया है तो मुझे सीधा नर्क भेज देंगे। दूध भैया अब तो एक ही चारा है, मैं इसका मुंह खोलता हूँ, आप अंदर हाथ डाल के फोन बाहर निकाल लो। अच्छा वैसे फोन शायद थोड़े पीछे की तरफ है तो मैं पूछ उठाता हूँ, तू अंदर हाथ डालकर फोन निकाल दे। देख हमें से कोई भी मिस्टर भैंस के अंदर हाथ डालकर फोन नहीं निकालने वाला। तो फिर फोन बाहर निकलेगा कैसे? सिंपल, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। क्या मतलब? मतलब जब किसी प्राणी के पेट के अंदर कोई चीज जाती है उसका शरीर डाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देती है। इस प्रोसेस के थ्रू वो डिसाइड करती है कि पेट में गई हुई चीज शरीर के लिए अच्छी है या बुरी। आप जो चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं है वो थमला ज्ञानी दूध चंद, आप अपने विज्ञान का भाषण अपने पास रखिए और पॉइंट पे आइए। फोन अपने आप पॉटी में से निकल जाएगी। लेकिन कब तक? अब ये तो मिस्टर भैंस के पेट पे डिपेंड करती है। अरे मैं इस पेटू लाल के पेट का इंतजार नहीं कर सकता, हमें उसे अभी के अभी निकालना होगा। फिर तो हमें मिस्टर भैंस को इसबगोल देना होगा या फिर जमाल गोटा। एक आंटी, ऐसे तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे मुझे कल ये फोन मोहिनी को अपडेट करके देना है। ये फोन मोहिनी को जान से भी ज्यादा प्यारा है और अगर उसे कल मैंने ये फोन नहीं लौटाया तो वो मेरी जान खा जाएगी। समझ गया, मतलब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जीजा जी के पता चलने तक रुक जाते हैं। अरे तेरे जीजा जी को कैसे पता चलेगा डफर, फोन तो मिस्टर भैंस के पेट के अंदर है। मैं सब गोल लाता हूँ, मैं जमाल गोटा लाता हूँ। सब गोल नॉर्मल इंसान के लिए एक चम्मच चल जाता है लेकिन भैंसे का वजन इंसानों से 5 से 10 गुना ज्यादा होता है तो टेक्निकली ऑन एन एवरेज 7.5। ये रहा सब गोल और ये रहा जमाल घोटा। अब देखना ये क्या स्पीड से गोबर करता है। ओहो ओहो, नहीं दूध भैया आहा बोलो, ये हमारे प्लान के कामयाबी की खुशबू है। दूध वाह, जीजा जी आ गए। भाग भाग भाग। हमारा ही इंतजार कर रहे थे ना आप। अच्छा अब हम सोने जा रहे हैं, ठीक है? लगता है पेटू लाल का पेट कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। वैसे हम भी बहुत प्रसन्न है, पता है आपको तो हमने बताया ही नहीं, डांस क्लास में आज नृत्य के 2 नए स्टेप सीखे हमने। बहुत जिद्दी हैं आप, बहुत जिद्दी हैं। चल दिखाते हैं, दिखाते हैं, ये देखिए। कैसा लगा? अच्छा था ना? अब आप आराम से सो जाइए और अच्छे अच्छे सपने देखिए, सुबह आकर हम आपके दांत साफ कर देंगे, ठीक है? अब चलते हैं, शुभ रात्रि। हेलो हेलो, अजीब फोन है, बंद है फिर भी बज रहा है, खराब हो गया है, कल सुबह ठीक करवाना पड़ेगा। शुभ रात्रि।
नाराज हो जाते हैं आप। ओ, बाल बाल बच गए। अब मिस्टर भैंस फटाफट पॉटी कर दो ताकि मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। लो भगवान जी ने आपकी सुन ली। अब जाइए मोबाइल निकालिए। पकड़। टिशू। एयर फ्रेशनर। कपड़ा कपड़ा कपड़ा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। थैंक यू दूध भैया। नो प्रॉब्लम हिमेश। एक मिनट। हाँ माय बेबी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। थैंक्स हिमेश। अब दूध भैया ने इसे अच्छे से ठीक कर दिया है ना? हाँ हाँ, दूध भैया को तो इसकी डॉक्टरों की तरह सर्जरी करनी पड़ी, तब जाके ये ठीक हुआ। वाओ, दूध भैया को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। हाँ इससे ऐसी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? हाँ वो दूध भैया ने इसको ठीक करने के साथ साथ इसकी सफाई भी करी है, ऑर्गेनिक क्लीनिंग, आयुर्वेदिक स्टाइल। हाँ, इसलिए कुछ जड़ी बूटियों की खुशबू में रह गई होगी तो कुछ। वाओ थैंक्स हिमेश। ये मोहिनी, ये लो आ गया तुम्हारा बैट बॉल। तुम पागल हो गए हो सत्या? छी मोहिनी। अरे पर मोहिनी ने तो मुझे कहा था कि उसे बैट बॉयज पसंद है। ये लड़कियां ना ये लड़कियां ना, इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये चाहती क्या है। अरे तू स्मार्ट लग रहा है। चल चल चल, हीरो है हमारा। दिव्या, मैं कॉल पहुंची ना। और हमारे अगले स्टूडेंट है मिस्टर यमराज, जिन्होंने इस बिगिनर्स क्लास को पास करके ये साबित कर दिया कि नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे अगले स्टूडेंट कह सकते हैं। हाँ, व्हाई नॉट। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी शिक्षिका मालिनी देवी को, जिन्होंने हर सोमवार बुधवार शुक्रवार हमें दिल से नृत्य सिखाया। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रधान अध्यापिका को, जिन्होंने ये भरोसा दिखाया कि हम नृत्य सीख सकते हैं। You're very welcome. अभी खत्म नहीं हुआ है। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पत्नी, हमारा प्यार जिग्ना को, जिनकी प्रेरणा की वजह से आज हम आपके समक्ष खड़े हैं। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी टांगों को, जो मुश्किल घड़ी में भी हमारे साथ खड़े रहे, जिनकी बदौलत हम आपके सामने खड़े हैं। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने हाथों को, जो नृत्य सीखते वक्त हमारे शरीर के साथ जुड़े रहे। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने वस्त्रों को, जो नृत्य सीखते वक्त फटे नहीं। और आखिरी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, जिन्होंने हमारे साथ नृत्य सीखा। अरे शालू, मेरे नसीब में डिस्को कहाँ? तुमने तो बेचारे यमजी को नाचते हुए देखा ही है ना, ऐसा लगता है जैसे उनकी धोती में किसी ने चूहा छोड़ दिया हो। ना
पापा ना, मैं नहीं चाहती कि कोई उन पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए, तुम तो रहने ही दो। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या पहन रही हो? क्या है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। हेलो शालू, नहीं नहीं मैं तो मैंने ही बोल रही थी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। आप बताइए क्या है? चिकना प्राण प्रिय, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अच्छा क्या लाए हैं? इसे देखकर आप खुशी से उछल पड़ेंगी। सोने का हार, कंगन? नहीं नहीं साड़ी? नहीं, उससे भी उत्तम वस्तु है ये। ये देखिए। ये क्या है? ये प्रमाण पत्र। इसमें लिखा है कि हम अपने डांस क्लास के प्रथम स्तर में सफल हुए हैं। अब ना हम भैंसी की तरह कोयले पे फूंकेंगे और ना ही चूहा हमारी धोती में फूंकेगा। इसका मतलब आपने डांस मेरे लिए सीखा? कब चले? कहाँ? डिस्को में। अरे वाह, मैं अब भी तैयार हो क्या दिया। यम जी। Thank you. ये यमजी को अपना भैंसा पार्क करने में इतनी देर क्यों लग रही है? तो जिगना अच्छा ही है ना, उनके आने तक हम भी थोड़ा नाच लेते हैं, वरना उनके तांडव नाच का प्रदर्शन देखने के बाद हमें किसी अंधेरे कोने में मुंह छिपाकर बैठना पड़ता। मंदिरा जी शुभ शुभ बोलिए भाई, आने वाले भूकंप को यूं ललकारते नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मेरी यमजी ने मेरे लिए डांस सीखा है, वो भी पृथ्वी लोक की पिंकी डांस एकेडमी से। उन्हें तो सर्टिफिकेट भी मिला है। सर्टिफिकेट? हाँ सर्टिफिकेट। और जब मेरे यमजी आज यहाँ डांस करेंगे ना, तो यहाँ सब के सब देखते रह जाएंगे, और आप भी। आ गए यमजी। हाय। आइए आइए यमजी। भाई सुना है आपने नृत्य कला में महारत हासिल की है। अरे भाई हम भी तो देखें। हाँ जरूर, हम तो अपनी जिगना को अपना नया नाच दिखाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अरे हटिए हटिए, यमजी डांस करने वाले हैं। अरे हटिए, यमजी ने डांस सीखा हुआ है, हटिए देखिए तो दो। जिगना तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, सबके सब देखते रह गए, हम भी। शाबाश शाबाश जिगना, आज हमें अपने आप पे इतना गर्व है, ये हमारी पहली ट्रॉफी है, वो भी नृत्य की। वाह वाह। अच्छा अब मैं ना इसे अंदर रख देती हूँ। अंदर क्यों? इसे रखने के लिए तो हम कांच की अलमारी लेकर आएंगे। कांच की अलमारी सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए? एक? अभी तो शुरुआत है जिगना, फर्स्ट पोजीशन। हम तो इतनी सारी ट्रॉफी जीत कर आएंगे कि अलमारी क्या, दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। आप कहाँ जा रही हैं? दूसरा घर ढूंढने अपने लिए। थर्ड पोजीशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.